एक लड़का अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है, तभी उसका एक दोस्त बोलता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। दोनों साथ में जाते हैं और मंजिल पर पहुँचते हैं। उसका दोस्त बोलता है, तू रुक मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वापस आता है और कहता है, चलो गाड़ी मैं चलाता हूँ। वह आगे जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और सोचते हैं किधर जाऊं। तभी सामने एक घर दिखाई देता है। दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। दरवाजे पर ताला लगा होता है। तभी वहां किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह पीछे पलटता है तो वहां लगा झूला हिल रहा होता है। वह डर जाता है और जैसे ही आगे घूमता है दोस्त गायब होता है। वह वहां से भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। तभी फ़ोन पे उसकी घंटी बजती है। फ़ोन उसके दोस्त का होता है। दोस्त कहता है, कहाँ हो, मैं तुम्हारा गेट पे कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। यह सुनकर वह सोचता है, मेरा दोस्त वहाँ है तो मैं यहाँ किसके साथ आया। आपको समझ आया तो कमेंट में जरूर बताएं। एक बार दो दोस्त सुनसान जगह पर पार्टी करने जाते हैं। एक दोस्त बोलता है, तुम यहीं रुको मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वह इतना बोलकर आगे जाने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, जरा संभल कर जाना, रास्ता बहुत ही सुनसान है। लड़का बोलता है, तुम टेंशन मत लो मैं अभी आता हूँ। वह वहाँ से आगे चलते ही जाता है तो पेड़ के पीछे से कुछ चरचराहट होती है। लड़का डरता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। आगे कार के पास उसे कोई खड़ा दिखाई देता है तो उसे राहत होती है। वह कार के पास आता है और उससे पूछता है, यहाँ आसपास कोई दुकान है क्या। वह पीछे पलटकर बोलता है, यहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। वह लड़का उसका फेस जैसे ही देखता है तो डर जाता है और भागता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंचता है और बोलता है, भागो यहाँ से, यहाँ भूत है। एक लड़का सुनसान रास्ते से अपने घर जा रहा था। तभी वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह रुक जाता है और उससे पूछता है, मैडम आप इस समय यहाँ क्या कर रही हो, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। वह डरावनी आवाज में बोलती है, उसने मुझे छोड़ दिया। लड़का थोड़ा डर जाता है और पूछता है, किसने छोड़ दिया। चलो आपको इस समय यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। इतने में लड़की बोलती है, अब तू भी मुझे छोड़ेगा। लड़का उस लड़की का चेहरा जैसे ही देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और अपनी जान बचाकर भागता हुआ घर पहुंचता है। सीढ़ियों से चढ़ता हुआ घर के अंदर आता है तो घर के अंदर का नजारा देखकर वहीं बेहोश हो जाता है।